नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स। हूँ राम कैलाश यादव। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, आप जो बच्चा देख रहे हैं ये फीमेल डॉग का बच्चा है। यहाँ कुछ में बच्चा दे दिया है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसकी जो माँ है इसे दूध नहीं पिला रही है और माँ जो है दरकिनार हो जा रही है और इसे दूध भी पीना नहीं आ रहा है। इसे बच्चा दिए लगभग, इस बच्चे को देखा जाए तो ऐसा बताया जा रहा है कि 24 घंटे हो गया है और 24 घंटे से ये भूखा है, ये दूध नहीं पिया है, क्योंकि इसकी माँ जो है दूध इसे पिला भी रही है कि नहीं पिला रही है, लेकिन ये दूध नहीं पी रहा है। माँ है, माँ के बगल में जो है ये रह रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर फीमेल डॉग ने बच्चा दिया है। ये तो जब कूं कूं की आवाज़ आई तो आसपास के लोगों को ऐसे लगा कि जैसे वहाँ कोई सांप जो है मेंढक को पकड़ लिया है और मेंढक चिल्ला रहा है। जब यहाँ पर आकर देखा गया तो पता चला कि मेंढक नहीं, यहाँ पर तो फीमेल डॉग ने बच्चा दिया है। ऐसा बताया गया कि वो फीमेल डॉग जो इसकी माँ है 6 बच्चों को जन्म दिया था, शायद 5 बच्चे मर गए थे और उस बच्चे को जो मर गए थे उस बच्चों को फीमेल डॉग ने खा लिया, ऐसा बताया जा रहा है। और ये जो है दूध नहीं पी रहा है, क्योंकि जब फीमेल डॉग बैठी थी तब देखने को मिला कि उसके बगल कुछ बगल होकर के ये चिल्ला रहा है और जो फीमेल डॉग है वो दूध उसका नहीं पी रहा है। हो सकता है कि बच्चे को पता ना हो कि दूध कहाँ से पिए, कैसे पिए, और बच्चा जो है भूखा है, तो इसका जो है कुछ इंतज़ाम किया जाएगा। अब फीमेल डॉग का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो आ जाती है तो इस बच्चे को पकड़ करके उस फीमेल डॉग को जो है थन से दूध पिलाएंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि ऊपर का दूध नहीं पिला सकते इसे गाय भैंस का, क्योंकि इसे नुकसान कर सकता है। और यहाँ पर जो है कुश हैं चारों तरफ, इसे जंगल झाड़ी जैसा दिख रहा है और यहाँ पर इसे जंगली जानवर भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। अकेले रहने पर सांप भी इसे खा सकता है, मार सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।